सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक में भवानीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्टूबर 2014 से एक भी डॉक्टर की नियुक्ति न होने से 10 गांव में माया सहित करीबन 12,000 लोगों को इलाज के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं ब्रह्मजीत, यह मेरा समुदाय। हमें लोग का दिक्कत हुआ था, लेके जाओ जाए, हमारे पास लड़के हैं, ले जाओ जाए तो टेबलेट वेबलेट दे देते हैं, सिर्फ कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है कि लड़कन का इलाज करना, क्यों लेडीज बाटे गर्भवती रहें कि उन्हें उनका जांच करें, देखें, चेक करें। हमारा बीवी गर्भवती थी तो चेक कराने में उधरौला लेके जाओ या डुमरियागंज या बेवा तो अस्पताल लंबा पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? सर 20-25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ। बताइए आप लोग कैसे दिखवाते थे, जाने जाने में कितने दिक्कतें? सर बहुत दिक्कत है, यहाँ पे रोड भी नहीं सही है और साधन भी नहीं बराबर मिलता है तो बहुत तकलीफ है। यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं अच्छा है क्योंकि लेडी भी नहीं है, एक जेंट्स है तो कभी रहता भी नहीं है, बराबर चेक भी नहीं करता है, तो यहाँ पे यही समस्या है। तो क्या आप चाहते हैं? सर यहाँ पे यही चाहते हैं कि सुविधा हो जाए, लेडीज़ का भी जेंट्स का भी, कोई मतलब परेशानी हो किसी को रात बिरात कोई भी टाइम तो यहाँ पे सुविधा हो जाए कि मतलब एक लेडीज और एक जेंट्स। मैं चाहता हूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीगंज में डॉक्टर की नियुक्ति हो जिससे इनकी इलाज की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि सिद्धार्थनगर ज़िले के सेमो का मोबाइल नंबर है 94-15-72-73-25 पर कॉल कर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।